तो हाय गाइस, कैसे हम सभी लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो चलाएं शुरू करते हैं हम लोग। और शुरू करने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज, और वीडियो को प्लीज लाइक करें। तो चलाएं शुरू करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कंप्यूटर ओपन कर लिया है। और अब आपको मैं बताता चलूँ कि आज मैं लोगो डिजाइन बनाऊंगा। आपको पहले उसका मैं डिजाइन दिखा देता हूँ। पिछली क्लास में मैंने करेक्टर बनाया था ये वाला। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो हम बनाएंगे वो लोगो डिजाइन होगा कुछ इस तरह का। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह का हम लोगो डिजाइन बनाने वाले हैं। तो चले आइए एलिस्टेटर अब अपना ओपन करते हैं। आवाज में इसकी बंद नहीं कर पाता हूं तो मैं इसकी आवाज बंद कर देता हूं। तो जस्ट अब चलता है ये, देखते हैं। हाँ, स्टार्ट होने वाला है। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये जो एलिस्ट्रेटर चला रहा हूँ, ये एलिस्ट्रेटर सीसी का 2014 का वर्जन है। अगर आपको इंस्टॉल करना हो, अगर आप कोई और से चला रहे हो तो उसमें भी ऐसी पार्ट आएंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़े से डिफरेंट हो। सबसे पहले कंट्रोल ओ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पिक्चर ले लेता हूँ पहले लोगों की अपने। ठीक है जी, ये आ गई हमारी पिक्चर। अब इसको मैं उठा के साइड पे रख देता हूँ। और सबसे पहले इसके अंदर हमें करना है एलिप्स टूल लेना है, एंड शिफ्ट के साथ एक सर्कल बना लेना है। और इसके बाद तो इफेक्ट में जाना है। ये देखें, डिस्ट्रो एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। इसके बाद जिगजैग आएगा, जिगजैग पे आप क्लिक कर दें। एंड इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ ताकि आपको प्रूफ दिखा सकूँ। तो ये देखें, सबसे पहले मैं इसके अंदर कोई कलर फिल कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। इफेक्ट में जाएं दोबारा, डिस्ट्रो एंड ट्रांसफॉर्म, जिगजैग में जाएं एंड प्रीव्यू पे चेक लगा दें। एंड हमें इतने बहुत हैं, और एंगल आपको कितने चाहिए, और हमें स्मूथ कॉर्नर चाहिए। और यहाँ से आप सिंपल ओके कर दिएगा। इसके बाद आप एक और बना लिएगा शिफ्ट के साथ, और इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रखिएगा, बिल्कुल फिक्स सेंटर है। और इसका स्ट्रोक रख देंगे। ठीक है, तो सही है, इतना हो गया। इसकी हम थोड़ी सी रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल एक होल लेना है, और एक इसके आप बीच में बना दे। एक काम करता हूँ, ये जो ऊपर की जो स्टार वाली लाइन है ये बनाना जरूरी नहीं है वैसे आपको, लेकिन फिर भी चलो मैं बना के आपको दिखा दूंगा। एक इसके बीच में बना लेना शिफ्ट के साथ, और एक और अब हमें बनानी है इसके अंदर। ठीक है, और रोटेट करेंगे ऑल्टर के साथ, सॉरी कंट्रोल जेड करें, पहले इसको कैंसिल करें। सॉरी यार,
ठीक है, ये बना लें एंड रोटेट टूल लेके इसको ये डॉट पे रखें और ऑल्टर के साथ इसको, सॉरी यार, इसको ऑल्टर के साथ पहले थोड़ा सा लेके जाए, फिर ऑल्टर कर दीजिएगा, फिर बाद में कंट्रोल डी करें, ये पूरा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, बाद में आप इनको सिलेक्ट करो, छोटा करना चाहो तो शिफ्ट के साथ आप इसको छोटा कर लिएगा। और अब मैं बताता हूँ कि आप इन सबको सिलेक्ट करके इसके बीच में रखें और इन सबको सिलेक्ट करके अलाइन करें। ठीक हो गया। इसके बाद आपको एक सर्कल और बना लेना है शिफ्ट के साथ एंड बैक स्पेस के साथ उठा के इसको बीच में रख देना इसके, और बाद में आप मूव टूल लें, कंट्रोल जेड, सॉरी, अब आप इन सबको सिलेक्ट करें और दोबारा अलाइन के ऑप्शन में जाके इसको अलाइन कर दिएगा। ठीक हो गया। इसके पीछे एक सर्किल है, मैं इसका कलर रख देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ये कलर रख दिया इसका। एंड अब इसके अंदर जो पैन टूल बना हुआ है, तो ये पैन टूल बनाने की कोशिश करते हैं। एक डॉट ऐसे लगेगा, एक डॉट ऐसे लग गया, एंड एक डॉट थोड़ा इस तरफ है तो एक डॉट इस तरफ लग गया, एंड एक इधर। अब हमें अरेंज पे जाना है, ट्रांस फॉर्म पे जाना है, रोटेट, सॉरी, ट्रांसफॉर्म पे जाना है, रिफ्लेक्ट, कॉपी ले लेंगे एक इसकी, सॉरी, इसको कंट्रोल डिलीट कर देता हूँ मैं, पूरा इसको पूरा बना लेते हैं। कंट्रोल जेड, एक डॉट सही नहीं बनाया मैंने, शिफ्ट के साथ बना लेता हूँ वो सही रहेगा। एंड अब मुझे इसको करना है रिफ्लेक्ट, सॉरी टाइम बहुत जा रहा है, जल्दी से बना लेता हूँ। चले आ गई एक कॉपी और, अब मैं इसको रख देता हूँ सिंपली यहाँ पे, तो ये बन गया। ठीक है, अब जैसा ही बना बाद में इसको सही से बना दिएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको छोटा कर देता हूँ, लेकिन ये फिर ख़राब हो जाएगा वापस। अब इसको सबको सिलेक्ट करें एंड शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर दें एंड इसको अब यहाँ पे रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो आप देख रहे हैं कंट्रोल प्लस करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो ये एरो जैसा कुछ बना हुआ है, आपको पहले मैं ये बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से नहीं बना हुआ, ये ऐसे बना हुआ है, एक ये लिया एंड ऐसा एक सर्कल बना लिया, इसका कलर रख दिया एंड कलर इसका फिल कर नल कर दिया, स्ट्रोक इसका रखा हुआ है। बाद में आप इस पर सीजर चला दें, यहाँ से सिलेक्ट करके एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये हो गया अलग और ये हो गया अलग। तो सिंपल इसको डिलीट करें एंड इस वाले को आप रख दें इसके बीच में। और अब क्या करना है, अब देखें इसमें एक सर्कल शिफ्ट के साथ,
एक सर्कल आ गया शिफ्ट के साथ, एंड मूव टूल लें, उसकी ऑल्टर के साथ एक कॉपी ले लें, यहाँ पे रख दें, एंड उसको भी यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक हो गया। अब एक बनानी है हमें लाइन, सॉरी इस तरीके की एक हमें बनानी है लाइन, और उसके अंदर अब हमें बनाना है रेक्टेंगल छोटा सा। तो हमें शिफ्ट नहीं दबाना होगा इसके अंदर, लेकिन दबाना तो है, लेकिन अब दबा देते हैं, वैसे भी इसको हम छोटा ही करेंगे। इसको पहले हम सही सेंटर में रखते हैं, आ गया, एंड ऑल्टर के साथ मैं एक इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ऑल्टर एंड शिफ्ट, ठीक है, एंड एक कॉपी और भी चाहिए मेरे को इसकी, इसके यहाँ पे कोने पे रखने के लिए। तो सिंपली यहाँ से ऑल्टर एंड शिफ्ट दबा देंगे, सॉरी पहले इसको हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, सिलेक्ट नहीं करना, आगे ले जाएं, एंड ऑल्टर एंड शिफ्ट के साथ इसको खींच के यहाँ पे ले जाएं। तो ये बन गया हमारा। अब आप इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें और इसको ले नीचे, और इन सबको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको शिफ्ट के साथ छोटा कर लिएगा लाजमी, क्योंकि इतना बड़ा वहाँ पे आएगा नहीं। तो ये कर लिया मैंने बिल्कुल छोटा सा, और इसको सिलेक्ट करा और इसको मैंने रख दिया इसके बिल्कुल नीचे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसको और छोटा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, हमेशा छोटा जब भी करें तो शिफ्ट के साथ करें। तो ये अब आप देख सकते हैं आ चुका है, परफेक्टली आया, बिल्कुल परफेक्टली। अब थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन अब मैं इसका कलर रख देता हूँ जस्ट ब्लैक, ठीक है। अभी कलर हम इसका चेंज कर देंगे, मसला नहीं है, लेकिन हम इसका स्ट्रोक जो है वो नल रखेंगे। इतना बन गया। अब उसके बाद हमें इस पर टाइप करना है अपने नेम, तो सिंपली आप टाइप टूल में जाइएगा, और कहाँ पे टाइप, कहाँ पे किया हुआ इसमें, चारी टाइप हमें यहाँ पे करना, तो टाइप टूल ले लिएगा आप सिंपली। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने शायान लोगो सर्च किया हुआ था उसमें भी, तो मैंने इस पर भी कर दिया। इंटर दबा के आप नीचे आ सकते हैं, लेकिन हमें इंटर नहीं क्लिक करना। तो हम पहले इसका फाउंट चेंज करते हैं, चेंज यहाँ से आप इसकी कलर की लाइट कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं। इसके मुझे जो है फाउंड नजर नहीं आ रहे यार, सॉरी हो रही है, चाहे अलग से पेज खुला हुआ एक, तब समझ में आई है मुझे। देखें अब आप कोई सा भी इसके ना फाउंड दे दिएगा, मैं सिंपली नहीं दे रहा हूँ। और इसके अंदर अगर आप कोई और टाइप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ न्यू लोगो, ठीक है।
और यहाँ पे आप कोई से भी लगाना चाहें, जो भी कुछ लगाना चाहें, मेरे को नहीं पता आप क्या लगाते हैं इसमें, आप जो भी कुछ लगाना चाहें आप इस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर अगर आपको इसके बीच वाले दायरे के अंदर अगर आपको इस तरीके का बनाना है ना जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो सिंपली आपको सबसे पहले इसका कलर थोड़ा सा चेंज डार्क की तरह करना होगा, इसका कलर बल्कि यार इतना ही सही है क्योंकि आप पंचायत हो जाएगी मेरे साथ। ठीक है जी, आपको अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे एक और वीडियो में, वैसे अभी मैं आपको दोबारा टाइटल बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। चैनल गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो मेरी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक तो आपका करना बनता है, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और ऑल पे कर दिएगा बेल आइकन। कमेंट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये आसानी से और आसानी से बना सकते हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलें अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।